एसकेपी 7 न्यूज हाजीपुर। हाजीपुर के एक स्थानीय होटल के सभागार में इंडिया जर्नलिस्ट एसोसिएशन के अंतर्राष्ट्रीय पत्रकार सम्मेलन का उद्घाटन बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडेय ने किया। उद्घाटन करते हुए बिहार के डीजीपी ने कहा कि एक समय था जब अखबार में एक छोटी सी खबर छप जाती थी तो खबर पर सरकार जांच बैठा देती थी, यानी पत्रकार जो लिखा वह सही है। बहुत भरोसा था पत्रकार पर, मगर आज पत्रकारिता किसी के छवि को धूमिल करने के लिए किया जा रहा है। उन्होंने कहा, पत्रकारिता में दलाली होता है, जरूरत है निष्पक्ष पत्रकारिता करने की। चार लाइन की एक खबर छप जाती थी, सरकार उस पर इंक्वायरी सेट कर देती थी, खबर है इस पर जांच करिए, मतलब ये मान कर चला जाता था कि ये न्यूज अखबार में छपा है तो निश्चित रूप से इसमें संभावना है कुछ न कुछ सच्चाई होगी। आपकी इतनी विश्वसनीयता थी, आज क्या वही आपकी विश्वसनीयता रह गई है कि आपको जानता है? आपके साथ ही सोशल मीडिया पर जो रिपोर्टिंग करते हैं, आप खुद उसकी समीक्षा करें कि क्या उसको पत्रकारिता आप कह सकते हैं, वो पत्रकारिता है या दलाली है या एक्सटॉर्शन है या किसी की छवि को खराब करने का एक अभियान है या क्या है, ये आपको तय करना है। मैं नहीं कहता कि क्या है, लेकिन आपके संगठन को एक मानक तय करने होंगे, अपने लोगों को काबू में रखना होगा, तभी आपके ये प्रोफेशन की, आपके व्यवसाय की, पत्रकारिता की, पत्रकारों की इज्जत बने, समाज में पहले जैसी स्थापित। आप बोलते तो बिना विवाद के समाज का एक एक आदमी हाथ उठाकर समर्थन करे कि पत्रकार ने बोला है तो ये झूठ हो ही नहीं सकता, ये सच होगा और सच होगा। तो आपको समाज में अपनी जीवंतता बनाए रखनी है, अगर समाज में अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखनी है, अगर समाज में अपनी अहमियत बनाए रखनी है, तो सबसे जरूरत है निष्पक्ष पत्रकारिता करने की। ये बहुत महत्वपूर्ण बात, ये बहुत खुशी की बात है कि आप इतनी गंभीरता से इस विषय पर चर्चा करने के लिए जुटे हैं। तो आपको खुद भी तय करना होगा कि जो आपके संगठन में रह करके और अनइथिकल पत्रकारिता करते हैं, अभियान चलाते हैं किसी को उठाने का गिराने का, उनके लिए आप क्या दंड का विधान करते हैं, ये आपको तय करना होगा। अगर आप तय नहीं करेंगे तो ऐसे लोग आपको फिनिश कर देंगे, नुकसान पहुंचाएंगे, आपकी क्रेडिबिलिटी को समाप्त करते हैं।